फाइनली मैं एंट्री गेट पार हो चुका हूँ। मेरे साथ और भी फ्रेंड्स और साथी हैं, पर वो सभी अभी बाहर ही हैं। अंदर देखता हूँ तो काफी सारे यूथ के बच्चे बैठे हुए हैं। पहले अंदर मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे बाइबल पाठ का रिवीजन करना होता है। विश्व बलिदान खत्म हो चुका है और मैं फूलों से खेलने लगता हूँ। यूथ की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पैर रखने के लिए जगह तक नहीं मिल रही। विश्व बलिदान खत्म हो चुका है और हम लोग सभी जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। आंटियां सभी बच्चों का टोकन चेक करके अंदर जाने को दे रही है। यदि आपके पास टोकन नहीं है तो खाना भी नहीं मिलेगा। अगर टोकन कहीं भीड़ में गिर गया तो क्या होगा, सोचकर भी डर लगता है रे बाबा। हम सभी लोगों को बड़ी जोरों की भूख लगी होती है, इसलिए क्योंकि सभी 3 बजे उठकर नहा धोकर रेडी होकर आए हुए हैं। तो हम सबों को मिलता है नाश्ते में अंडा, केला, ब्रेड और गरम गरम चाय। नाश्ता करने के बाद में लगता है कि हाँ जान में जान। नाश्ता के बाद में डांस प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। 3 घंटे के बाद में फाइनली हम लोगों को खाना मिलना स्टार्ट हो जाता है। बहुत तेज भूख लगने के कारण मैं तो ज्यादा खाना लेने लगता हूँ।